नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। भाजपा सहित अन्य विपक्षी पार्टियां अब तैयारी में पूरी तरह से जुट गई हैं। ऐसे में अगर यूपी के सियासत की बात करें तो दूसरी पारी खेल रहे योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रही है। विकास कार्यों को लेकर लगातार सीएम योगी खुद दौरे पर हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो मैनपुरी व खतौली उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का हौसला इस समय पूरी तरह बुलंद है। यादव वोटर बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ के बाद अब उनका निशाना यूपी के दलित वोट बैंक पर है। वह जानते हैं कि केवल यादव वोट बैंक के जरिए यूपी की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में अब उनका निशाना सीधे मायावती के दलित वोटर बैंक पर है। जाटों वोटरों को साधने के बाद अब वह पूरी तरह से दलित वोटरों को साधने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, और इसके लिए उन्होंने अपना एक नया सेनापति भी चुन लिया है, जिसका उपयोग उन्होंने उपचुनाव में कर सफलता भी प्राप्त की, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्यों दलित वोटरों को साधने के लिए अखिलेश यादव को इसकी जरूरत पड़ी है। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि केंद्र का सत्ता यूपी से ही होकर जाता है। वैसे जहां तक अखिलेश यादव के लिए दिल्ली की बात की जाए तो वह अभी काफी दूर है, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि जो भी केंद्र में सरकार बने उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो और उस सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो। आज अखिलेश यादव इस मिशन के लिए पूरी तरह से जुट गए हैं। वे आजकल अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसका जीता जागता नमूना 8 जनवरी को सपा के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर इतने नाराज हो गए कि सीधे लाओ लश्कर के साथ पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गए और वहां जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के न होने पर उपस्थित अन्य अधिकारियों को जमकर खरी खोटी हुई सुनाई, और 24 घंटे में अपने कोऑर्डिनेटर को छुड़वाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास कराने में कामयाब रहे कि उनका नेता अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी चुनाव जिता सकता है तो वहीं उनके किसी भी कार्यकर्ता के लिए हर स्तर पर लड़ सकता है। जहां तक यूपी की राजनीति की बात की जाए तो यहां जातिगत फैक्टर बहुत मायने रखता है और उसमें दलित वोटर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें जाट वोटर भी काफी मायने रखते हैं। मायावती की पार्टी बसपा ने दलित व जाट फैक्टर पर अपनी मजबूत पकड़ के चलते ही यूपी में राज किया, जिस पर अब अखिलेश यादव भी पूरी तरह से चल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जाट वोटर बैंक को साधने के लिए जयंत चौधरी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसका लाभ उन्हें विधानसभा चुनाव के साथ साथ अभी हाल में हुए उपचुनाव में भी देखने को मिला। अखिलेश यादव का निशाना दलित वोटर बैंक पर है, लेकिन पार्टी में कोई विशेष दलित नेता न होने के कारण उन्हें अपने इस मिशन को पूरा करने में परेशानी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने अब दलित वोटरों को साधने के लिए एक नया सेनापति चंद्रशेखर आजाद को चुन लिया है, जिसका टेलर उन्होंने उपचुनाव में देखा और उसमें सफलता भी मिली। अब अखिलेश यादव चंद्रशेखर को साध कर इससे दो निशाने साधना चाहते हैं। एक तो मायावती के गढ़ को हिलाकर उनके अंदर डर पैदा कर उन्हें सपा गठबंधन के लिए तैयार करना, वहीं दूसरा दलित वोट बैंक को पूरी तरह से अपने फेवर में करना। यूपी विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो दलितों के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं, जो कि काफी मायने रखती हैं। वैसे यह तो रहा सीटों का मामला, लेकिन अगर वैसे पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 21% दलित वोटर है। यूपी के 49 जिले ऐसे हैं जो दलित बहुसंख्यक माने जाते हैं, जिसमें 42 जिले ऐसे हैं जिसमें 21% से अधिक संख्या में दलित वोटर हैं। दलित वोटरों में भी 12% जाटो वोटर हैं। ऐसे में यह आसानी से समझा जा सकता है कि क्यों हर पार्टी इन दलित वोटरों को लुभाने में लगी रहती है। प्रदेश के 42 जिले ऐसे हैं जिनमें किंग मेकर की भूमिका में यह दलित वोटर ही होते हैं। यह जिले सोनभद्र, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, जालौन, रायबरेली, झांसी, औरैया, बहराइच, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, हाथरस, फतेहपुर, ललितपुर, कानपुर देहात, अम्बेडकर नगर और बिजनौर है। इन जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें दलित वोटरों की संख्या 25 से 41% तक है,
जो कि पूरी तरह से इन जिलों के विधानसभा व लोकसभा सीटों को प्रभावित। अब यूपी के दलित वोटरों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदलते हुए अपना नया सेनापति भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को चुना है, जिसके जरिए वह मायावती गढ़ को हिलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव यह जानते हैं कि आज दलितों की मसीहा बनी मायावती को चंद्रशेखर आजाद सीधा टक्कर दे रहा है। उसकी सभाओं में उमड़ती भीड़ ने बसपा सुप्रीमो को भी परेशानी में डाल दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के रूप में दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अपना ट्रंप कार्ड खेला है। अभी हाल में चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की मुलाकात भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद खतौली और रामपुर उपचुनाव में सपा के समर्थन में प्रचार करते भी दिखे। अखिलेश यादव प्लानिंग को धार देने में लगे हुए हैं, जिससे अब आपको आने वाले दिनों में दो बातें देखने को मिल सकती हैं। एक तो चंद्रशेखर आजाद सपा के साथ पूरी तरह से खड़े होकर दलित वोटरों को समाजवादी गठबंधन की तरफ मोड़ते दिखे, वहीं दूसरा इसके एवज में आगामी लोकसभा 2024 चुनाव में सपा के बैसाखी के सहारे चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।